हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रवेश कुमार आज आपके सामने क्लास प्लस वन लेसन सेकंड ज्योग्राफी का अध्याय लेके आया हूँ, जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि कैसे हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, उनको ही आपके सामने रखा जाएगा कि किन विद्वानों ने किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। इसमें आज केवल हमने इसी चीज़ को पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। इस पृथ्वी की उत्पत्ति के आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति कब, कैसे और किससे हुई, इसके बारे में आज भी प्रमाणिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल का अंग है, सौरमंडल का एक सदस्य है। जिस प्रकार से सौरमंडल के अन्य सदस्यों की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई होगी। इसके बारे में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रारंभिक सिद्धांत और दूसरे हैं आधुनिक सिद्धांत। जो प्रारंभिक सिद्धांत जो प्राचीन समय में दिए गए थे, उन्हें आधुनिक सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं। उनमें सबसे पहला जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे पहला सिद्धांत जो दिया गया था, वो कांट महोदय के द्वारा दिया गया था, कांट। और कांट महोदय के पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पर न्यूटन के गुरुत्व आकर्षण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कांट महोदय ने कहा है कि अंतरिक्ष में कुछ ठोस, ठंडे और गतिहीन द्रव्य पदार्थ मौजूद थे अंतरिक्ष में। वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आपस में टकराने लगे, एक दूसरे से आपस में टकराने लगे। जब कोई चीज़ आपस में टकराती है, उससे एनर्जी क्रिएट होती है। आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब कोई दो पत्थर के टुकड़े मारते हैं, उसमें से एनर्जी उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब ये कण तो आपस में टकराए, उनसे एनर्जी क्रिएट हुई। एनर्जी क्रिएट होने के कारण इनमें तापमान में वृद्धि हुई और साथ में इनमें गति उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, इनकी गति भी बढ़ती चली गई। और एक ऐसी अवस्था आई कि ये सभी पिघलकर एक जगह पर तरल अवस्था में इकट्ठे हो गए। तरल अवस्था में इकट्ठे हुए, उसमें तापमान में वृद्धि होती चली गई। तापमान में वृद्धि के साथ साथ इसके कोणीय वेग में भी वृद्धि होती चली गई। अत्यधिक वृद्धि तेज गति के कारण इसके अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति हुई। इसके केंद्र में तरल अवस्था का जो ये एक समूह था, इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल वो बल होता है जो केंद्र से बाहर की तरफ वस्तु को धकेलता है, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल के कारण जब अत्यधिक गति हो गई, अपकेंद्रीय बल के कारण ये जो था अनेक छल्लों के रूप में विखंडित हो गया, केंद्र में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका बना रहा। तो इस प्रकार से अनेक छल्ले उत्पन्न हुए। ये जो सेंटर में था, इसको सूर्य सन माना गया, और जो ये चारों तरफ थे, इनसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये धीरे धीरे इनसे एनर्जी का विकिरण होता गया और ये ठोस होते गए और एक ग्रहों का रूप इन्होंने धारण कर लिया। जब ये ग्रह छल्ले के रूप में विकृत हुए, इनसे भी कुछ अन्य छल्ले इससे विखंडित हुए इन पार्ट से, और जो उपग्रह के रूप में जाने गए, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। जब पृथ्वी नामक छल्ला इससे बाहर निकला, इससे पृथ्वी से ही एक छल्ला अन्य इससे हटकर दूर चला गया, जिसे पृथ्वी को उपग्रह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कांट महोदय ने बताया कि किस प्रकार से
हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में ठोस, ठंडे और गतिहीन द्रव्य पदार्थों को माना, और किस प्रकार से वे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में मिले, उनमें एनर्जी उत्पन्न हुई, वो पिघलना शुरू हुए, उनमें गति उत्पन्न हुई, और फिर आप केंद्रीय बल हुआ, उससे विखंडन हुआ, और उससे हमारे ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसके गुण और दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इस सिद्धांत का गुण क्या है, कांट महोदय ने गुरुत्वाकर्षण और गति और ताप, इन तीन चीजों का अपने सिद्धांत में यूज किया। इन तीन चीजों का प्रयोग करके अन्य विद्वानों ने, अन्य भूगोलवेताओं ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। यह सबसे बड़ा गुण है। डिमेरिट्स इसमें क्या मानी गई है कि कांट महोदय ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में टकराए। उन्होंने कहा कि जब ये टकराए उससे पहले क्या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था? यदि गुरुत्वाकर्षण बल था तो ऐसी कौन सी पावर थी जो इन कणों को टकराने से रोक रही थी, वो इसका स्पष्ट आंसर नहीं दे पाए। ये इसकी मेन डिमेरिट्स थी, अवगुण था। उसके बाद इसी को आधार मानते हुए जो कांट ने अपना सिद्धांत दिया, इसी को आधार मानते हुए लाप्लास महोदय ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने सबसे पहले क्या माना कि अंतरिक्ष में एक धूल गैस कणों से बनी हुई एक निहारिका थी जो गतिहीन थी। इस निहारिका से ऊर्जा का विकिरण होता रहा। ऊर्जा का विकिरण होने से जो तापमान था वो बाहर छोड़ता गया, तो जब किसी चीज का तापमान कम होता है वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। तो धीरे धीरे इससे ऊर्जा का विकिरण होता रहा और इसका आकार घटता गया। आकार घटने के साथ साथ इसकी गति भी बढ़ती गई, और एक समय इसकी गति इतनी अत्यधिक होगी, इसका आकार इतना छोटा हो गया और इसकी गति इतनी अत्यधिक होगी कि इसका अपकेंद्रीय बल ने प्रभाव डाला और ये अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो गई, और कुछ हिस्सा इसका केंद्र में रहा, जिसको सूर्य माना गया, और इन जो अनेक टुकड़े थे उनसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये लगभग कांट के मिलता जुलता सिद्धांत है। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। कांट महोदय ने क्या कहा था कि ठोस, ठंडे और गतिहीन पदार्थ हैं, परंतु लाप्लास ने क्या कहा, लाप्लास ने एक निहारिका को प्रारंभ में ही माना, ना कि इनको। दूसरे, इन दोनों के सिद्धांत में क्या है, इन्होंने प्रारंभ में सूर्य को नहीं माना कि सूर्य पहले ही था। यह कहते हैं कि संपूर्ण सौर मंडल का एक प्रोसेस के तहत ही उत्पत्ति हुई है। ये दो सिद्धांत ये कहते हैं। तीसरा सिद्धांत जो हमारा आता है ओटोसिमिट ने क्या कहा, इन दोनों सिद्धांतों से कुछ हटके हैं। उन्होंने क्या माना है कि सूर्य पहले ही था, सन, इन्होंने पहले ही सन को अपने सिद्धांत में माना कि वो पहले ऑलरेडी था। एक निहारिका आई, गैस और बादलों की एक निहारिका आई, इसमें से कुछ हिस्से को सूर्य ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ये ऑटोसिमिट की सिद्धांत है। उन्होंने सूर्य को सबसे पहले माना कि सूर्य ऑलरेडी पहले ही था। एक निहारिका आई, उसमें से कुछ हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। इसके ताप, इसमें से ऊर्जा का विकिरण हुआ, धीरे धीरे सुकड़ती गई, इसकी गति में वृद्धि हुई, वृद्धि इतनी अत्यधिक हो गई कि अपकेंद्रीय बल के कारण इसमें विखंडन उत्पन्न हो गया और उससे हमारे ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। यह है ओटोसिमिट का मानना। इन्होंने इन दोनों पहले दोनों सिद्धांतों में इन्होंने, कांट और लाप्लास ने तो माना कि संपूर्ण सौरमंडल का उत्पत्ति एक ही साथ हुई, परंतु ओटोसिमिट ने कहा कि सूर्य ऑलरेडी पहले ही था, केवल एक निहारिका इसके पास आई, इस निहारिका में से कुछ हिस्सा क्या किया,
सूर्य ने अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खींच लिया और वो सूर्य के प्रभाव में आकर इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और फिर दोबारा से क्या हुआ, उसमें से ऊर्जा का विकिरण होता रहा और उसकी आकार छोटा होता हुआ, उसकी स्पीड बढ़ती चले गई और उसमें विखंडन हुआ, विखंडन से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये मानना है ओटो सिमिट का। फिर आता है चैम्बरलेन एंड मोल्टन। चैम्बरलेन मोल्टन, मोल्टन का सिद्धांत, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने इन निहारिका परिकल्पनाओं को बिल्कुल नकारा है। उनका मानना था कि सूर्य, एक सूर्य था, एक भ्रमणशील तारा स्टार, एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक आया, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार उत्पन्न हुए सूर्य के तल पर। इस प्रकार से एक समय ऐसा है कि ज्वार बहुत ही अधिक दूरी तक निकल गया और इससे कुछ पार्ट्स सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, सॉरी स्टार तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे कुछ पदार्थ इससे दूर हटकर इसके तल से दूर चला गया, मेटल इससे दूर चला गया। क्यों? ज्वार उत्पन्न हुआ, उसकी ज्वार कितनी अधिक दूरी तक उसकी पहुंच हो गई कि वो तारे के गुरुत्वाकर्षण में अधिक प्रभावित हो गया, जिसके कारण सूर्य के तल से वो कुछ पदार्थ क्या हुआ, इससे दूर हो गया। और फिर ये स्टार भ्रमणशील तारा था क्योंकि ये तो इसका स्थान स्थिर नहीं था, ये वहां से दूर चला गया। और सूर्य से निकला हुआ पदार्थ इसके चारों तरफ ही चक्कर लगाने लगा, क्योंकि प्रारंभ में ये सूर्य के तल से निकला था, इसका तापमान बहुत अधिक था, इसके तापमान का क्या ऊर्जा का इससे विकिरण होता रहा, ऊर्जा का विकिरण होता रहा, ये ठंडी होते गए, इसका आकार छोटा होता गया, पहले प्रारंभ में ऐसा आकार था, धीरे धीरे से ऊर्जा निकलती गई और इसका आकार छोटा होता चला गया। और एक समय ऐसा आया इसके वही अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण इसमें विस्फोट हुआ, जिससे अनेक ग्रहों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये सूर्य से निकले हुए पदार्थ थे इसलिए सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाने लगे। ये चैम्बरलेन एंड मोल्टन का मानना था। पहली तीन थ्योरीज में क्या बोला गया है, सिद्धांतों में क्या बोला गया है कि केवल अन्य पदार्थों से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, परंतु चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने माना कि सूर्य के तल से ही एक पदार्थ निकला और उससे ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसका इनका सिद्धांत इन तीनों से हटकर है। फिर एक फिफ्थ सिद्धांत भी है एक, जिसे हम युग्म तारा परिकल्पना बोलते हैं। युग्म तारा परिकल्पना यह परिकल्पना रसल नामक विद्वान की थी। उन्होंने कहा कि कोई युग्म, दो युग्म तारे थे, ऐसे युग्म तारे काफी आज भी देखने को मिलते हैं, और वो सूर्य के नजदीक आए, स्टार एंड स्टार। ये एक तो इसका आकर्षण था इस पर और दूसरा सूर्य का आकर्षण। तो सूर्य ने इस स्टार में से कुछ हिस्सा सूर्य की तरफ पहुंच गया, जो स्टार था उसमें से इस प्रकार से युग्म तारे में से एक तारे का कुछ हिस्सा खींचकर सूर्य ने अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींच लिया। तो ये तारे से निकले हुए पदार्थ से ही धीरे धीरे उसके ऊर्जा का विकिरण हुआ, ऊर्जा विकिरण से इसमें गति में तेजी आई, गति में तेजी आने से इसका विखंडन हुआ और विखंडन से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये कहलाता है युग्म तारा परिकल्पना। तो मैंने आरंभिक सिद्धांत में आपके सामने पांच परिकल्पना या सिद्धांत प्रस्तुत किए, पहले कांट, फिर लाप्लास, फिर ऑटोसिमिट, फिर चैम्बरलेन और फिर रसल की जो युग्म तारा परिकल्पना थी। ये थी हमारी प्राचीन विचारधाराएं, प्रारंभिक विचारधाराएं। अब आते हैं
आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, जो आधुनिक सिद्धांत था इन विद्वानों ने या भूगोलवेताओं ने केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ही अध्ययन नहीं किया, उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में समझाने का प्रयास किया कि कैसे हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसके संबंध में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। इसे जो बिग बैंग सिद्धांत था, इन विद्वानों के अनुसार जो संपूर्ण ब्रह्मांड है आज भी विस्तारित हो रहा है। इस परिकल्पना को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। 1920 में एडविन हबल ने बताया कि आज भी हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से कि किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, निम्न प्रकार से समझाया गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिनसे सभी सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वह पदार्थ एक छोटे छोटे आणविक परमाणु के रूप में ब्रह्मांड में स्थित था, जिसका आयतन बहुत ही कम था परंतु तापमान और गति बहुत ही अत्यंत थी। घनत्व तापमान और गति बहुत ही अत्यंत थी। फिर इसमें विस्फोट होने से आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर बढ़ती चली गई। तीसरा, लगभग अब ये जो मैंने आपको आरंभिक सिद्धांत के बारे में बताया था उसके बाद आपके आते हैं आधुनिक सिद्धांत में विद्वानों ने केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया और इससे संबंधित सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी सबसे सर्वमान्य है। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार माना कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने अनेक जानकारी दी। मैं आपकी विस्तार से बताना चाहूँगा कि बिग बैंग सिद्धांत में किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। बिग बैंग सिद्धांत को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में एडविन हबल ने यह बताया कि आज भी हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार निम्न प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से
हमारे ब्रह्मांड का विस्तार है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जिससे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है वो सूक्ष्म परमाणु कण अंतरिक्ष में विद्यमान है, जिसका आयतन बहुत ही कम है और उसका घनत्व और तापमान बड़ा ही अनंत है। फिर एक ऐसी परिस्थिति आई इसमें विस्फोट हुआ, इस अणु में विस्फोट हुआ और बिग बैंग के अनुसार यह विस्फोट लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पूरा हुआ, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। फिर बिग बैंग के बाद एक ऐसा समय आया 3 लाख वर्षों के दौरान जो इसका तापमान था ब्रह्मांड का वो 4500 डिग्री केल्विन तक कम हुआ, जिससे क्या हुआ जो ये विस्फोट हुआ था ये जो ये कण थे ये आपस में चिपकना शुरू हुआ और जिससे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। और जो वो ये कण थे आपस में चिपके उन्हीं से ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और उनका मानना है कि आज भी आकाशगंगाएं, उन्होंने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि आज भी हमारी जो आकाशगंगाएं हैं किस प्रकार से हमारे से दूर बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने इसके एग्जांपल इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आज भी ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार से हमें समझाने का प्रयास किया है कि पहले जो ये आकाशगंगाएं थी इतना नज़दीक थी और जैसे जैसे इनके दूरी बढ़ती गई, समय चलता गया, इनके बीच की दूरी भी इस प्रकार से बढ़ती गई। ये था हमारा बिग बैंग सिद्धांत। इसमें सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार माना गया कि ब्रह्मांड में जिस इस ब्रह्मांड की जिससे उत्पत्ति हुआ पदार्थ एक एकांकी परमाणु कण के रूप में विद्यमान था, लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पूरा इसमें विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इनका ये मानना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल विस्तार के बारे में एक बताया कि गुब्बारा यदि हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये गुब्बारा है और यदि हम इस पर निशान लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो निशान लगाए, यदि इसमें हवा भरते हैं इसका आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही क्या होगा इनके जो इसके बीच के दो बिंदु मैंने लगाए हैं वो भी क्या होंगे उनका आकार भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ये था, फिर जैसे ही इसका और डिस्टेंस बढ़ा तो इसका विस्तार ये हो गया। तो ये बिग बैंग सिद्धांत था जो आधुनिक सिद्धांत था। मैंने आपको प्राचीन सिद्धांतों के बारे में भी बताया और आधुनिक सिद्धांत के बारे में भी बताया, किस प्रकार से विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। केवल ये एक अनुमान के ऊपर आधारित है, ये कन्फर्म नहीं है कि हाँ 100% इसी तरह से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, केवल अनुमान के ऊपर आधारित है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम पृथ्वी के विकास के बारे में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।